गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे लेट्स गो द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस इज अ चैप्टर 4 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रह जाएगा फिजिक्स का, देन उसके बाद आपका सिलेबस फिनिश है। उसके बाद जो एक चैप्टर बायो का है, लास्ट वाला चैप्टर हेल्थ वाला, वो चैप्टर पे बेटा मैं आपको प्रोजेक्ट के कुछ टॉपिक्स दूंगा जिस पे आपने वो टॉपिक्स बनाने हैं। ठीक है, मैं समझा दूंगा, ठीक है, जितनी जरूरत होगी। बट वो जो चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, तो उस चैप्टर में से थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा पूरी क्लास को, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक पूरी क्लास को दे दूंगा, उस पर आपने एक एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, एक्टिविटी या प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, तो चैप्टर 4 एटम क्या होता है। काफ़ी एटम आर टू स्मॉल टू बी सीन, याद रखना एटम क्या होता है, टू स्मॉल टू बी सीन। एक तो सीधी सी बात, आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, एंड द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, और हमने पिछले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, एटम्स के सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एटम्स कैसा होता है, कैसा देखने में होता है, और एटम्स से छोटे भी चीज होते हैं, ये भी हमें पिछले चैप्टर में पता लगा था। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस टू यू द होल स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एट दिस स्टेज। मतलब क्या है ये, क्या बोल रहे हैं कि इस लेवल पे, मतलब नाइन्थ क्लास में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सारी की सारी स्टोरी की एक्चुअली ये कैसे डिस्कवर हुआ था, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं मतलब इन द सेंस ऑफ कि इसके लिए आपको बेटा कम से कम नहीं तो 8-10 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि इसकी डिस्कवरी और इसके बारे में पढ़ना चाहते हो। अभी बेटा आप, मतलब कि आपको जितना पढ़ाया गया वो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी हम पढ़ेंगे प्लस वन में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा अपने उतना ही करना है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लू टू द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब क्या कि पहले एक्सपेरिमेंटल से हमें क्या पता लगा कि मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर होता है। ठीक है, 1833 में फ्राइडे साइंटिस्ट का नेम था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही शो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। उन्होंने क्या बताया आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ कि कोई भी चीज को, कोई भी किसी भी चीज में से अगर क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि वो अब सॉरी अगर किसी में, किसी भी सॉलिड में से अगर करंट पास हो रहा है, इसका मतलब वो कैसे पास हो रहा है, ड्यू टू द, क्योंकि उसमें से चार्ज पास हो रहा है। याद रखना चार्ज कौन से फॉर्म में पास हो रहा है, चार्ज बेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बताया था ना कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी उनमें मतलब करंट पास होता है। वही अगर हम स्टोन में ले लें तो उसमें क्या होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी पैक्ड स्ट्रक्चर, पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब वो काफ़ी पास पास जुड़े होते हैं, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसी चीज़ नहीं होती, इस करके उनमें क्या होता है, करंट पास नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस स्टडी बाय यूजिंग द स्पेशली डिजाइन गैस ट्यूब। इन्होंने इसके लिए क्या यूज किया था, गैस ट्यूब यूज किया था जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास। अब देखो ये देखोगे तो ज्यादा पता लगेगा, ऐसे बोलने से आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये देखो अब ये कैथोड और एनोड क्या होता है, ये आपको 8th क्लास में भी पता लग गया होगा। ठीक है, ये कैथोड है, ठीक है बेटा, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं सर्किट से, मतलब कि किसी करंट के सोर्स ऑफ सर्किट से। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये पंप है, ये एक ग्लास का ट्यूब है, सिलेंडर है, इसमें से क्या कहें, हमने एक मशीन लगाई हुई है जो सारा का सारा एयर इसके अंदर से बाहर की तरफ निकाल रहा है। ठीक है, क्लियर है, अब आपने डायग्राम देख लिया, जब भी वीडियो देखोगे बेटा बुक आपके साथ में खुली होनी चाहिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ग्लास ट्यूब हैविंग अ साइड ट्यूब और टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं, ईच वन एट ईच एंड, मतलब दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोड, मैंने दिखाया था ना कैथोड और एनोड, उसी की बात करो। दिस इलेक्ट्रोड्स कैन बी कनेक्टेड टू रिस्पेक्टिव टर्मिनल हाई टेंशन पावर सप्लाई, और मैंने ऊपर दिखाया था ना पावर सप्लाई से वो जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर से एयर को कौन बाहर निकालता है, वैक्यूम पंप निकालता है ताकि अंदर में कोई भी एयर प्रेजेंट ना हो। इट वॉज फाउंड डैट द गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन वेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अबाउट। ये क्या बोल रहे हैं कि गैस कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, चाहे उसमें 10,000 वोल्ट करंट क्यों ना अप्लाई कर लो। बट इट वॉज डिस्कवर बाय द विलियम क्रूक्स दैट गैसेस कोल्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। उन्होंने क्या बोला, विलियम क्रूक्स ने क्या बोला था कि गैसेस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कब, जब उनका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है,
व्हेन द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब क्या है कि जब जब उन्होंने सबसे पहले लिया एक्सपेरिमेंट किया फ्रेडे ने, उन्होंने टेम्परेचर को प्रेशर को हाई रखा, तब उन्होंने देखा 10,000 वोल्ट करने पे भी करंट पास नहीं हो रहा। तो विलियम क्रूक तो पहले साइंटिस्ट थे, मतलब इनसे पहले एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक, उन्होंने क्या बोला था, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कब, जब उनका उसका प्रेशर लो रखो, ठीक है। इसका मतलब एट इतने प्रेशर पे 10^-2 एटमोसफेयर प्रेशर पे क्या होता है, एक ग्लो सराउंडिंग द कैथोड, मतलब क्या होगा इसमें करंट पास होता है और एक ग्लो, एक लाइट सी लगती है हमें जलती हुई दिखाई देती है, किसके तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड के तरफ। कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। लीव द इलेक्ट्रोड सर्फेस एंड लिटल स्पेस लेफ्ट बिटवीन द लिटल स्पेस लेफ्ट बिटवीन इट एंड इलेक्ट्रोड, और इससे इस सिस्टम को कहते हैं बेटा क्रूक डार्क स्पेस, ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, क्रूक डार्क स्पेस। एट दिस स्टेज इलेक्ट्रिक करंट बीइंग टू फ्लो फ्रॉम एक इलेक्ट्रोड टू अनदर, मतलब आप अगर ये ग्लो देख रहे हो, ये लाइट देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ये फ्लो करता है। वही आप अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर -10^-3 कर दोगे एट सफिशियंट लो प्रेशर, ठीक है, ये लो प्रेशर है, इसमें क्या होगा, दिस ग्लो फिल्स द होल ट्यूब, इसमें क्या होगा, ये पूरा ट्यूब मतलब कि ग्लो करने लग पड़ेगा, ठीक है, लाइट की तरह चलने लग पड़ेगा। द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस उसमें आपने फिल किया, याद रखना ये, ठीक है बेटा, कि कौन सा कलर होगा ट्यूब के अंदर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैस यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 10^5, अगर प्रेशर को और लोअर करो, ठीक है बेटा, व्हेन द प्रेशर इज लोअर अबाउट 10^-5, मतलब अब देखो पहले सबसे प्रेशर 2 था, फिर 3 हुआ, -3 हुआ, फिर -5 हुआ, तो लाइट एमिशन बाय द लाइट एमिशन बाय द रिड्यूसल एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब स्टॉप, बट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब ऑपोजिट टू द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग एंड द लाइट ग्रीनिश लाइट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अब बस इसमें से इतना समझ लो, पूरा समझने की जरूरत नहीं है, कि जब हम टेम्परेचर को काफी लो कर देते हैं फिर भी लाइट उसमें से इमिट होता है, लाइट मतलब इमिट का मतलब लाइट निकलता है, ठीक है बेटा, ये लिख द, यहां से द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब ऑपोजिट टू द कैथोड, ये कह दो, जब वॉल मतलब ये इसकी बात करें, वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ऑपोजिट द कैथोड स्टार्ट कर देता है क्या, ग्लो करना, ठीक है, कौन से, ग्रीनिश लाइट में। इस स्टेज को कहते हैं कैथोड रे, इस स्टेज को क्या कहते हैं, कैथोड रे, ठीक है, इमिटेड लाइट फ्रॉम कैथोड, क्यों कैथोड रे क्यों कहते हैं, लाइट कहां से इमिट होता है, कैथोड से, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पासिस थ्रू गैसेस एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करे कौन कहां से, जब गैसेस टेम्परेचर काफी लो है, इसमें क्या होता है, कैथोड रे प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। इसके बाद देख लो बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ना है तो पढ़ लेना, वही सिंपल सी है, मॉल्स की बात की गई, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स की जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो बच्चा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि कौन से गैस लोगे तो कौन सा कलर आएगा, कि न्यून लेगे तो कलरलेस आएगा, ठीक है, कलर ऑफ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ये होगा, ऑब्जर्व कलर ऑफ ग्लो, जब वो ग्लो करेगा तो ये कलर आएगा, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब का कलर ये आएगा, ठीक है, न्यून लाइट रेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बोलोगे, यहाँ पे नियोन, यहाँ पे नियोन, यहाँ बेटा नियोन की मतलब कि नियोन लेकर प्रेशर कम या ज्यादा होगा, एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा तभी ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैथोड रे, हाउ कैथोड रे प्रोड्यूस, व्हेन ए हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मान लो हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 10,000 वोल्ट अप्लाइड कर दे हम, ठीक है, अक्रोस गैस मतलब उन जो गैस आपने सिलेंडर के ऊपर, जो सिलेंडर आपको दिखाया था मैंने ग्लास का, उसके अंदर लिया है, तो उसमें क्या होता है, मतलब कि जब भी आप 10,000 वोल्ट करंट उसमें अप्लाई करते हो, पर याद रखना कंडीशन क्या है, प्रेशर लो होना चाहिए, तो क्या होगा, प्रेशर लो का मतलब 10^-5 होना चाहिए, तो क्या होगा, सम रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, मतलब कुछ लाइट, मतलब रेडिएशन को कह सकते हैं, रेडिएशन विद द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, इमिट मतलब कि कैथोड क्या करता है, कुछ लाइट को छोड़ना शुरू करता है, ठीक है, दिस रेडिएशन को कहते हैं कैथोड रेस, ठीक है। द इमिशन ऑफ कैथोड रेस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, शोन इन फिगर 4.2, ये मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, ठीक है। एट दिस स्टेज द ग्लास वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ऑपोजिट सेम ऊपर वाली लाइन जो आपने, एट दिस स्टेज द ग्लास टू डिस्चार्ज
डिस्चार्ज ट्यूब ऑपोजिट कैथोड स्टार्ट, ठीक है बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब ऑपोजिट कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है, जो डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है विद फैंट ग्रेनिस ग्रीनिश लाइट, मतलब कि हल्की ग्रीनिश लाइट के साथ, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना कॉल्ड फ्लोरेसेंस, इसको क्या कहते हैं फ्लोरेसेंस, दिस फ्लोरेसेंस द वॉल इज ड्यू टू द बम्बारमेंट ऑफ ग्लास बाय द रेस इमिटेड फ्रॉम कैथोड, याद रखना। अब ये जो लाइट हमें दिखाई देता है ये क्यों दिखाई देता है, क्यों इस, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कैथोड में क्या होता है ये देखो मैं आपको पीछे दिखाई देता हूँ, और इस लाइट को कहते हैं कैथोड रे, ठीक है बेटा। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट पास करोगे, ठीक है, सेम सिस्टम वही करंट पास करोगे, इसमें क्या होगा ये जो कैथोड है ना, कैथोड क्या करेगा लाइट इमिट करना, इसको बोलते हैं इमिट करना, ठीक है, लाइट पैदा करना शुरू कर देगा, और ये लाइट पैदा होकर फिर जाके ये आगे इन वॉल से टकराएगा, ठीक है बेटा। बम्बारमेंट का मतलब ये होता है कि बार बार यहां से लाइट निकलेगा और यहां जाकर टकराएगा, ठीक है बेटा, उसके करके क्या पैदा होगा हल्की सी ग्रीनिश कलर पैदा होगा, इसे बोलते हैं कैथोड रे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की बात करें तो लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बस इतना ही, जितना मैं बोलूंगा उतना ही पढ़ना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट रे कंसिस्ट ऑफ ए मैटर पार्टिकल एंड अपोजिस एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, मतलब क्या होता है जो लाइट रेस होता है उनमें क्या होता है मैटर पार्टिकल्स होते हैं, मैटर पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है उनके अंदर क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है एनर्जी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि उनके मास और वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और वो जाके क्या करता है कैथोड से निकलता है और सामने जाके टकराता है, ठीक है, इसमें इतना करना है आपने, ठीक है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कैथोड रे में क्या होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसे इतना ही करना, ठीक है बेटा। अगर प्रॉपर्टीज आ जाए तो अपने इतना ही लिखना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे नहीं करना, और कोई भी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम कौन सा बनाना है सिर्फ आपने ये वाला बना लो या पीछे वाला बना लो सफिशियंट है, या ये वाला पीछे वाला और कोई नहीं, ठीक है, ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है, थैंक यू फॉर टुडे।